उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राकेश भाटी का टिकट कटने पर मौजूदा प्रत्याशी का विरोध जताया। कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी के कुछ लोगों ने बीच में पैसे लेकर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करके मेरा टिकट कटवाकर सलीम अख्तर को टिकट दिया गया। उसका न कोई जनता में जनाधार है, न जमीनी स्तर पर कोई कार्य। मैंने वर्षों से जनता के बीच जाकर उनके दिलों में अपनी जगह बनाई है। हमें जनता जानती है, लेकिन इसमें हाईकमान का कोई दोष नहीं है। राकेश भाटी ने कहा, मैं हाईकमान से ये कहना चाहता हूं कि सच्चा कांग्रेसी मैं ही हूं, वो नहीं। इसमें हाईकमान का कोई दोष नहीं है। ये जो यहाँ कुछ गंदगी आ गई है हमारे संगठन में बाहर से, उन लोगों का धंधा है। उन्हें कोई ऐसा कैंडिडेट मिले कि जो जिससे वो कुछ पैसे उतारे और ऊपर से गुमराह करके पार्टी से हमारे नेतृत्व को, वो ऐसा करें। मेरे साथ यही हुआ है। कुछ लोगों ने पैसा लेके एक ऐसे बाहर के आदमी को, जिसका कोई जनता में कोई जनाधार नहीं है, उसने एक 10 साल पहले 2012 में एक चुनाव लड़ा था बसपा से, जिसमें उसकी 45,000 वोट आई थी। वो बसपा की वोट थी, बेशक वो दूसरे नंबर पर रहा था, 10 साल पूरा कहीं क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिया, उसका कोई जनाधार नहीं। वो पैसे लेके पहुंचा किसी ने और उसको एक बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा नेता करके हमारे नेतृत्व के सामने पेश किया गया और कहा कि ये तो बहुत बड़ा नेता है और ये करके हमारे नेतृत्व को गुमराह किया गया एक तरह से। आपको क्या लगता है कि ये शीर्ष नेता जो है उनके संज्ञान में मामला नहीं है, बीच में ही सब हो गया है? सब कुछ बीच में हुआ है, हमारा नेतृत्व गुमराह हुआ है और जिस दिन असलियत का पता चलेगा उस दिन उन लोगों की खैर नहीं होगी, वो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। तो इसमें क्या माना जा रहा है भाटी जी, क्या आपकी अब टक्कर किससे होगी? हमारी टक्कर सीधी समाजवादी से टक्कर है हमारी और किसी से? ये माना जा रहा आप निर्दलीय लड़ेंगे? मैं बिल्कुल निर्दलीय लड़ूंगा। मेरा पर्चा देख रहे हैं, मैं ही कांग्रेसी हूँ, वो कांग्रेसी नहीं है। अच्छा, आप किस तरीके से अब जनता के बीच में जाएंगे? मेरा जनता के बीच में, मैं 3 साल से जनता के बीच में ही हूँ। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मेरा क्षेत्र जो है ना, वहाँ से लगा हुआ है, आपको मालूम है नोएडा से लगा हुआ है ये क्षेत्र। पिछले 32 साल से किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से पिछड़ता गया है। आज हमारा अगर कोई मेरे जैसा कोई कार्यकर्ता एक बार यहाँ से चुनाव जीत के चला गया होता तो ये नोएडा की तर्ज पर यहाँ का विकास हो गया होता। मैं इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ूंगा। मेरा हर गांव में मेरा कार्यकर्ता है, हर गांव में मेरा पूरा संगठन मेरा बैठा तैयार बैठा है। सब लोगों ने मिले, सारा अभी यहाँ मीटिंग होके गई है, सारा यहाँ विधानसभा का पूरा हमारा कांग्रेस का पूरा संगठन यहाँ था। उन्होंने कहा हम चाहे हमें चने खाका के हमें लोगों से भीख मांगनी पड़े वोटों की, हम संगठन के मतलब कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और कार्यकर्ता का जब अपने सम्मान पे आता है तो किसी भी दल का कोई भी कार्यकर्ता जब इस युद्ध पे आ जाता है तो उसे कोई हराने वाला नहीं होता। पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने अपनी बात को किस तरीके से रखना चाहेंगे? मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं को यही मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ये तुम्हारा सच्चा सिपाही था वो नहीं है जो 5,000 रुपये सिमट जाएगा सिर्फ।